जिस देश में पूजे कन्या को उस देश में हत्या कन्या की, क्या हम आज़ाद हैं? कृषि प्रधान है देश हमारा और भूखा मरता कृषक बेचारा, क्या हम आज़ाद हैं? हम नारी को दुर्गा काली चंडी का रूप कहते हैं, मगर समाज में बैठे भ्रष्ट दानव उनकी इज्जत हर लेते हैं, क्या हम आज़ाद हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम बन जाते हैं, जब कोई पूछे धर्म हमारा तब हम हिंदुस्तानी ना कहलाते, क्या हम आज़ाद हैं? आओ करें शुरुआत ओ प्यारी लेकर शपथ निराली, ना हो ऊंचा धर्म हमारा बने हम हिंदुस्तानी, बने हम हिंदुस्तानी। नमस्कार, मैं प्रगति प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष दिया गया विषय क्या हम आज़ाद हैं पर अपना विचार प्रकट करना चाहती हूँ। 15 अगस्त सन 1947 हम सभी भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन। इसी दिन के लिए हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान का बलिदान देकर हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराया था और एक सपना देखा था कि एक दिन हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। हम आज भी गुलाम हैं, हमारी आज़ादी अभी भी बाकी है। 1947 से लेकर अभी तक हमारा देश गरीबी का गुलाम है। आज भी एक इंसान को दो वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है, उसी सड़कों पर सोना पड़ता है, एक किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए आज़ादी अभी भी बाकी है। हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से तो आज़ाद हो गया, लेकिन असमानता की गुलामी से नहीं। आज भी हमारे देश में भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद, धर्मवाद जैसे अनेक कुरीतियों से आज भी हमारा देश कैद है, जिनसे आज़ादी मिलनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज़ादी अभी बाकी है। वो कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन आज भी हमारे देश के कई नौजवान ऐसे हैं जो अपनी बेहतर शिक्षा पाने के लिए अपने देश को छोड़कर किसी और देश में जाके पढ़ रहे हैं, जिससे आज भी हमारे देश के छोटे से गांव के मोहल्ले में पढ़ने वाले बच्चे को मजबूरन अपनी पढ़ाई छोड़ मजदूरी का काम करना पड़ता है, जिससे न देश पढ़ पा रहा है न आगे बढ़ पा रहा है। इसलिए सही मायनों में देखा जाए तो आज़ादी अभी भी बाकी है। लेकिन अब समय आ गया है इन सभी गुलामियों से आज़ादी का। आज जहाँ हमारा पूरा देश COVID-19 के महामारी से डटकर सामना कर रहा है, तो ज़रा सोचिए अगर हम COVID-19 जैसे भयंकर महामारी से लड़ने के लिए एक साथ हो सकते हैं, तो अशिक्षा, गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार जैसे अनेक बीमारियों से लड़ने के लिए क्यों नहीं। ये वो बीमारियां हैं जिनसे हमारा देश स्वस्थ और मजबूत नहीं हो पा रहा है। तो चलिए आज खुद से हम ये वादा करते हैं अपने दिल, अपने दिमाग को इन बीमारियों की गुलामी से आज़ाद करेंगे, ताकि एक नए देश की शुरुआत हो सके, एक नए संपूर्ण स्वतंत्र देश की शुरुआत हो सके। तो देखना हमारी आने वाली पीढ़ी गर्व से कहेगी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए तैयार हो जाइए अभी से, इसी वक्त से खुद को बदलने के लिए, अपने देश के लिए एक नई सोच के साथ शुरुआत करें। जय हिंद। धन्यवाद।